नमस्कार विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके संबंध में, और ये कितने प्रकार की होती है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इस संबंध में हम अध्ययन करेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में, शुरू में जुड़कर उसका जो अर्थ है उसके अंदर बदलाव ले आते हैं, उसमें एक विशेष अर्थ ले आते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए कि जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर, ध्यान देना, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका जो अर्थ है, अर्थ में परिवर्तन, यानी कि अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अपन एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपका शब्द है क्रम, और उसके साथ में अपन ने अनु जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, अनुक्रम। ठीक है, इसी तरह से अगर यही क्रम है और इसके साथ में अपन ने परा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पराक्रम। कुल मिला के उपसर्ग का अर्थ यही है कि शब्दांश प्लस शब्द, यानी कि शब्दांश के साथ में शब्द को जोड़ना और एक विशेष अर्थ देना या उसमें परिवर्तन करना, अर्थ के अंदर परिवर्तन करना, क्या कहलाएगा, आपके उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि जो शब्दार्थ बनता है लास्ट में वही आपका क्या है, उपसर्ग बनेगा। शब्दांश के साथ में शब्द जुड़ने से जो शब्दार्थ बनेगा वो आपके उपसर्ग है। ठीक है, अब हिंदी में प्रचलित उपसर्ग जो है वो करीब चार प्रकार है, वैसे तीन होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार, या इसको कह देते हैं अपन भेद। जो पहला है आपके संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है आपके हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग। पहला हम लेते हैं
संस्कृत के उपसर्ग। बहुत ही सरल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। परीक्षा में आता है कि ये कुछ शब्द दे दे, शब्दांश दे देंगे आपको कि ये उपसर्ग लगाकर जो है नए शब्द बनाइए, पांच नए शब्द बनाइए या दो नए शब्द बनाइए। तो इस तरह से आपको ये करने होते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के मुख्य 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में मुख्य 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और इनमें से एकाद को छोड़कर शेष सभी का प्रयोग हिंदी में होता है। यानी कि एकाद उपसर्ग को छोड़ दो, बाकी के सबका जो है हिंदी में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए, उपसर्ग अर्थ और इसका शब्द रूप। पहला है आपके, देखो, जैसे कि अति, जिसका अर्थ होता है अधिक। अधिक का अर्थ क्या होता है? अधिक। अब इससे बने हुए जो शब्द कैसे बनेंगे? जैसे अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक। इसको मैं एक बार डिवाइड कर देता हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो, कर लोगे आप। जैसे होता है आपके अति प्लस अधिक, जो बन जाएगा आपके अत्यधिक। इसके अलावा अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत और अतिक्रमण। फिर आपकी नेक्स्ट अधि उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इसके लिए उदाहरण आपके जैसे अधिकार, अधि प्लस कार होता है। ठीक है, अधिकृत, अधि प्लस कृत। यानी कि जिस तरह से अपन संधि करते हैं ठीक वैसे ही उपसर्ग भी होती है। संधि के ही उदाहरण आप मान के चलो, भले अधि स्नातक, ठीक है, स्थानक नहीं, स्थान, अधि स्नातक। इसके अलावा अधिकरण, और अधिपति, अधिनायक, और भी कई उदाहरण आप इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या सम्मान, इसको सम्मान भी बोलते हैं। अब इसके लिए क्या बनेगा? जैसे अनुज, जो छोटा भाई होता है, ठीक है, अनुचर, पीछे चलने वाला, अनुकरण, अनुगामी, इसी प्रकार अनुसरण,
यानी कि अनुसरण करने वाला, अनुगमन। और भी कई उदाहरण है जो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है अभी। अभी का अर्थ होता है आपके और या सामने। जैसे कि अभिमुख, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिशाप, अभियोग, अभिभावक, अभियान, अभिमान भी कहेंगे हो, इसमें ध्यान रखना। अभिमान आदि, ठीक है। और इसके कई उदाहरण बनते हैं, आप बना लेना इसके, ठीक है। फिर आता है आपके अपि। अपि का अर्थ होता है आपके निकट। अब कैसे, देखो, जिसका अपि धान, और अपिनत, नेक्स्ट इसके बाद अप। अप का होगा बुरा या हीन या अभाव, ठीक है। अब इसके लिए क्या लगेगा आपके, अपकीर्ति, अपव्यय, जो बुरे के अंदर आता है ये सारा, या हीन भावना में या कमी की भावना में, अपशकुन, इसी तरह से अपशब्द, अपकर्ष, अपहरण, और भी कई उदाहरण हैं जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके अव। अव जो है उसका अर्थ होता है नीचे या हीन, वही हीन भावना ये वाला। इसमें क्या हो जाएगा, अवशेष, अवकाश, अवगत, अवतरण, अवसान, अवनत, अवनति, और भी इसके उदाहरण आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे अपन बढ़ते हैं। आठवां पॉइंट इसका क्या आएगा वो देख लो। 22 उपसर्ग इसके हिंदी के हैं, वो आज मैं आपको करवा देता हूँ कंप्लीट। फिर आगे जो हिंदी के जो उपसर्ग आएंगे वो हम कल करेंगे। अब इसके बाद आता है आपके सात हो गए, आठवां पॉइंट। आठवां है आपके अव, सॉरी आ, इसका अर्थ होता है सहित या तक, जिसका
बनेगा आपके आकार, आमोद, आजन्म, आजीवन, आजीवन, ठीक है। फिर है जैसे आक्रोश, आकर्षण, आरोहण आदि। इसके अलावा और भी आप ले सकते हैं। फिर नम्मा पॉइंट है आपके उत। उत के लिए अर्थ बनता है आपके ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न, उत्साह, उत्तम, उद्यम, उद्योग। और भी आप इसके उदाहरण ले सकते हैं। फिर दसवां है आपके उप, जिसका अर्थ होता है निकट, छोटा, या हम इसको सदस्य भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, उपनाम, उपाधेय, उपसंहार, उपचार, उपदेश, उपकार, उपभेद आदि। इसके अलावा आप और भी इसके उदाहरण लिख सकते हैं। अब है आपके 11वां दूर। दूर का अर्थ भी क्या होता है, बुरा या कठिन। जैसे कि दुर्लभ, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्दशा, बुरी दशा जिसको कहते हैं अपन, दुर्जन, बुरे लोग जो होते हैं वे, दुर्गम, दुर्गुण, दुराचार, दुर्गति, दुर्दिन, बुरे दिन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, 12वीं उपसर्ग आपके दुस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुरा या कठिन, इसका भी। अब इसमें देखिए, दुष्कर, दुस्साध्य, दुस्साहस, दुश्चरित्र, दुष्कर, और भी आप इसके ले सकते हैं उदाहरण।
फिर तेरहवा है नी। नी उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे या निषेध। जैसे कि निरोध, निरोध का मतलब विरोध प्रकट करना। नियोग, निदान, निपात, निवास, निरूपण, निवारण और भी आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, फिर चौदहवा है आपके निर, जिसका अर्थ होता है इसका भी निषेध या रहित। निराकार, निर्दोष, निर्धन, इसी तरह से निर्वाह, निर्जीव, निर्दय, निर्जल आदि। पंद्रहवा पॉइंट है आपके इसके निस। निस का अर्थ भी होता है निषेध और रहित। निश्चय, निसंतान, निश्चल, इसी तरह से निस्संदेह, निस्तार, निसंकोच, निश्चल आदि। फिर आपके परा उपसर्ग। परा का अर्थ होता है विपरीत या नाश या इसका होता है अनादर। ठीक है, जैसे कि पराकाष्ठा, पराभव, पराभूत, परामर्श, पराजय, पराक्रम। अब ध्यान देना, पराक्रम ये इसमें आएगा। ठीक है, पराधीन। नेक्स्ट आपके सत्रहवीं उपसर्ग है, वो है परी। परी का अर्थ होता है चारों ओर। जैसे पर्यावरण शब्द आता है ना आपके, वही चारों तरफ। परिक्रमा, फिर परिपक्व, फिर परिणय, फिर आएगा परिवर्तन, फिर आएगा परीक्षा, परिपूर्ण, परिणाम,
और इस प्रकार से आप आगे और भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके प्रति। प्रति के लिए आपके आएगा हर एक, ठीक है, हर एक या विरुद्ध। जैसे प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष, प्रतिहिंसा, प्रतिवादी, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, आदि। और भी आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपके प्र उपसर्ग। प्र का अर्थ होता है आगे या अतिशय। इसमें देखिए आप प्रपंच, प्रबंध, प्रयोग, प्रसार, प्रख्यात, प्रलय, प्रताप, प्रहार भी कह सकते हैं अपन। एक उदाहरण और ले लो, और इसके अलावा आप और भी उदाहरण बना सकते हैं। फिर आपके वी का, जिसका अर्थ होता है विशेष या भिन्न। जैसे विनय, विजय, विलय, विषम, विभाग, विराम, विमर्श, वियोग, विज्ञान, और इस प्रकार से आप भी दो चार उदाहरण अपनी ओर से भी बना लेना। ठीक है, सेकंड लास्ट है आपके सम, जिसका अर्थ होता है संयोग, संभव, संग्राम, संस्कार, संतोष, संपत्ति, संहार, संगम, और भी आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट अब आपके 22वां उपसर्ग है, वो है सु उपसर्ग। सु का मतलब होता है अच्छा। जैसे कि सुपुत्र, अच्छा पुत्र, सुकर्म, अच्छे कर्म, सुकृत यानी कि अच्छी रचना, सुभाषित जो आपने संस्कृत में पढ़े होंगे, ठीक है, सुशिक्षित अच्छा पढ़ा लिखा, सुशिक्षित, सुगम यानी कि आसानी से जाने वाला, सुयश, स्वागत
ये सब अच्छाई के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो ये कुल मिला के आपके 22 उपसर्ग हैं। इन 22 उपसर्ग को आपको याद करने हैं, इसके अलावा इनको आपने नोटबुक में लिखना भी है। एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ जो इस प्रकार से होगा आपके। या ऐसा करते हैं, उपसर्ग के जो प्रश्न है वो मैं आपको सारे उपसर्ग पूरे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही मैं आपको उपसर्ग के प्रश्न दूंगा, ठीक है। ये आपको नोट करना है कंप्लीट अपने नोटबुक में और याद रखना है। इसके अलावा इनके दो दो चार चार जो भी उदाहरण अलग से हैं वो आप खुद जो है लिखने का प्रयास करें ताकि आपके समझ में आ जाए। प्रश्न भी मैं इसी प्रकार का दूंगा कि जैसे उप दुस नी परा उपसर्ग लगाकर पांच पांच शब्द बनाइए, इस तरह से जो है आपको प्रश्न भी दिया जाएगा। जो अभी एक बार उपसर्ग पूरी कंप्लीट हो जाए, अभी तो आज के आपके संस्कृत के उपसर्ग कंप्लीट हुए हैं, कल हम हिंदी के उपसर्ग लेंगे, इसके बाद विदेशी उपसर्ग लेंगे और उसके बाद जो मैं आपको इसके क्वेश्चन दूंगा जो होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मैं पीडीएफ जो भी है वो मैं भेजूंगा, तो उस पीडीएफ के अनुसार अपनी कॉपी में पूरा नोट कर देना, ठीक है। सारा काम होमवर्क में पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जब भी आप डाउट क्लास के अंदर आएँ तो अपनी नोटबुक साथ लेकर आएँ ताकि उसकी जाँच हो सके, और कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप डाउट्स क्लास में आकर अपना डाउट्स जो है वो क्लियर करके जाएँ। धन्यवाद।